हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपसे कोई गलती होता है और आपके खिलाफ कोई केस फाइल होता है कोर्ट में, या फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ सिविल सूट ही फाइल कर देते हैं कोर्ट में, या फिर आपने कोई क्राइम किया या नहीं भी किया, फिर भी किसी व्यक्ति ने आपसे जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए एफआईआर करवा दिया, किसी भी प्रकार का, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट में केस फाइल करने के बाद कोर्ट से आपको नोटिस या सम्मन जो है वो आता है कोर्ट से। कोर्ट से जब सम्मन आता है, नोटिस आता है, और आप उस नोटिस और सम्मन को रिसीव भी कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको ले भी लेते हैं, बाय पोस्ट आता है या जैसे भी आता है आप उसको ले लेते हैं, सर्विस उसका पूरा हो जाता है कि यहाँ पे ये सम्मन को, नोटिस को, जिन व्यक्तियों के खिलाफ इशू हुआ था कोर्ट से, उनके द्वारा ले लिया गया है। फिर उस नोटिस में, उस सम्मन में जितने तारीख को, जितने बजे, जितने नंबर कोर्ट में, जिस जज साहब के सामने आपको जाना होता है, उस जज साहब के सामने, उस कोर्ट में आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में आपके खिलाफ कोर्ट से पुनः क्या कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट क्या एक्शन लेगी आपके खिलाफ, इस बिंदु पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनसे आपका कोई दुश्मनी छोटा मोटा भी रहता है, फिर भी आपको परेशान करने के उद्देश्य से वो एफआईआर करवाते हैं आप पे, पुलिस ऑफिसर उस पर कार्रवाई करते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए चालू हो जाता है। जब कोर्ट कचहरी का चक्कर चालू होता है, कोर्ट से आपको नोटिस आता है कि आपको इतने तारीख को, इतने बजे, इतने नंबर कोर्ट में आपको आना है, आप नहीं जाते हैं। यदि आप नोटिस ले लिए, सर्विस कोर्ट का पूरा हो गया, नोटिस लेने के बाद भी आप कोर्ट में यदि नहीं जाते हैं और क्रिमिनल केस है, तो उस स्थिति में आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, NBW कोर्ट से इशू हो जाएगा, जारी हो जाएगा गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा, फिर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी क्रिमिनल केस में आपके पास कोर्ट से यदि नोटिस आता है और उस नोटिस को आप ले लेते हैं, नोटिस को सर्विस करते हैं, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। नोटिस के अनुसार, नोटिस में जो भी डेट लगा रहता है, जितने बजे का टाइम रहता है, जिस कोर्ट नंबर में जाना है, वो सारा डिटेल नोटिस में लिखा रहता है, तो आपको जाना चाहिए। नहीं तो क्रिमिनल केस में क्या होता है कि आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट आपके खिलाफ इशू हो जाएगा, जारी हो जाएगा कोर्ट से, फिर आपको पुलिस ऑफिसर कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिविल केस में। जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल करता है, दीवानी बाद यदि कोई फाइल करता है कोर्ट में, तो कोर्ट से आपके पास सम्मन आता है विद फ्लैंट, प्लैंट के साथ, उसने जो भी केस फाइल किया है उस केस की एक कॉपी के साथ सम्मन आता है। कभी कभार कॉपी नहीं भी रहता है तो आपको कोर्ट में मिल जाता है। उस सम्मन को यदि आप ले लेते हैं, आपके पास आया डाकिया या कोरियर वाला या जिस भी माध्यम से, जिस भी मोड से उसने भेजा हो, आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं, आप व्हाट्सएप को देख भी लेते हैं, और पुनः आप नहीं जाते हैं कोर्ट में उसके बाद भी, जब आप सम्मन ले लेते हैं उसके बाद भी आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो इस स्थिति में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जिस पार्टी ने आपको पे केस फाइल किया है और आप सम्मन ले लिए हैं, तो कोर्ट को यह ज्ञात हो जाता है कि ये पार्टी जो है, जिसके खिलाफ सम्मन हमने किया था, जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ था,
वो पार्टी को जानकारी हो गया और उसके बावजूद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है आपके खिलाफ उसके पक्ष में एक पक्ष आदेश पारित हो जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है कोर्ट में, और फिर एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद उसको जज साहब से उस पर एविडेंस करा के आर्ग्यू करना पड़ता है और फिर उसको डिक्री मिल जाता है, फिर वो जिस चीज के लिए केस फाइल किया है वो केस जीत जाता है, फिर आपको एक ही मौका रहता है कि उसके अपील में ही जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि जब कभी भी कोई सिविल केस में भी समन आप लेते हैं तो कोर्ट में जाना चाहिए, केस को देखना चाहिए, यदि आप नहीं जाते तो एक्स पार्टी हो जाएगा, फिर उस पर उस चीज जिस चीज के लिए उसने सूट डाला है तो उसका उस पर अधिकार हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप पे पैसे का रिकवरी के लिए सूट डाला है, उससे आपने पैसे लिए थे और उसने रिकवरी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट से आपको समन आया, समन आपने ले लिया, फिर कोर्ट में नहीं गए, अब जज साहब क्या करेंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर करने के बाद एक पक्ष आदेश करने के बाद जो व्यक्ति आप पे रिकवरी का सूट डाला है उस व्यक्ति ने उसको एविडेंस करा के गवाही करा के उस पर जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके खिलाफ उनके पास वो एग्जिबिट करके फिर जज साहब से आर्ग्यू करके और डिग्री ले लेगा, डिग्री लेने के बाद आपको डिग्री दिखाएगा, बोलेगा भाई पैसे दे दे, यदि फिर भी आप पैसे नहीं देते हैं तो उस डिग्री को निष्पादन करने के लिए वो एग्जीक्यूशन पेटिशन कोर्ट में फाइल कर देगा, फिर वहां से बेलीफ अपॉइंट होके कोर्ट के आदमी जो है वो अपॉइंट होके आपके पास आएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कुर्की कर लिया जाएगा। तो ये कुछ कोर्ट के प्रोसेस होते हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल केस की स्थिति में आपके पास यदि नोटिस आता है कोर्ट से तो आप नोटिस लेते हैं तो कोर्ट को ज्ञात हो जाता है कि नोटिस आपने प्राप्त कर लिया, फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो आप पे नॉन बेलेबल वारंट हो जाएगा और पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। सिविल केस में यदि आप समन लेके नहीं जाते हैं तो फिर जिस पार्टी ने आप पे मुकदमा दायर किया है, मुकदमा किया है आप पे, केस फाइल किया है, उस पार्टी के खिलाफ उस पार्टी के पक्ष में एक पक्ष आदेश हो जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, फिर उसको डिग्री मिल जाएगा और वो केस जीत जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को समन और नोटिस दोनों ही स्थितियों में आप जब ले लेते हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो ये हर्जाना आपको देना पड़ेगा, ये नुकसान आपको हो सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। यदि आपको मुझसे ऑन कॉल बात करना है तो आप कुछ प्रकार का कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, लेकिन ये पेड सर्विस होगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।